नमो नमो दर्शकों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रीति रिवाज विजेता में। दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप लक्ष्मी पूजन करेंगे बड़ी दिवाली वाले दिन, तो उसमें आप जब 108 मंत्रों के साथ जो जप करते हैं, जब पूजन करते हैं माँ लक्ष्मी जी का, तो आपको जो उसका जो फल मिलता है वो कई गुना मिलता है। माना जाता है कि 108 गुना मिलता है। तो आज मैं वही आपको 108 मंत्र बताने वाली हूँ। ये मंत्र आपको बोलते हुए आपको आप हो सके तो गुलाब, लाल गुलाब के पुष्प चढ़ा दीजिए, चढ़ाते जाइए एक एक मंत्र बोल के, या लाल कमल के फूल अगर आपको मिले, अगर आपको गुड़हल के लाल फूल मिले तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कमल के फूल और गुलाब के फूल ही महालक्ष्मी जी को प्रिय होते हैं, वही आपको चढ़ाने चाहिए। तो वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाने वाली थी कि ये हमारा एक ऑल्टर है जो आज हमने रेडी किया है। प्लीज वो आप देखिए कि हमने कितना सुंदर सजाया है। ये घरुंडिया है, हमने सबसे पहले यहाँ पे पाटा लगा करके उसके ऊपर महालक्ष्मी जी को विराजित किया है, नारायण जी विष्णु भगवान जो उनके पति हैं उनको विराजित किया है। विराजित करने का जो हमारा है कि क्योंकि हम महाराज जहाँ पति हो पत्नी वहीं अच्छे से रहती हैं, तो हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ पे वास करें, तो हमने इसलिए श्री हरि विष्णु को भी यहाँ पे उन्हीं के साथ में उनके दाई हमने उनके साथ में ही उनको विराजित किया है, ऐसा लगाया हुआ है। ये आप देख लीजिए, ये हम आज पोस्टर लेके आए हैं, ये बंदरवाल लगाई है। हैप्पी दिवाली, ये मेरी बेटी ने, मेरी भतीजी ने बनाया है घर में खुद कलर्स और पेपर्स वगैरह लेकर के। तो अब हम शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। और वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। ये मेरा रिटर्न गिफ्ट होगा आपका मुझे दिवाली के लिए, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया है आज, या आप जो बड़ी दिवाली वाले दिन और छोटी दिवाली वाले दिन करते हैं, हम दिए जो हमने प्रज्वलित करने होते हैं 11, 21, 31, 41 या 51, वो हमने भिगोए थे, उन्होंने सीधे करके रखा, हमने इस जगह पे यहाँ पे सारे दिए रख के और फिर हमने वहां पे उनको जलाया, प्रज्वलित किया, फिर उनकी खील बताशे से धूप लगाई। अब हमने सब दिए लगा दिए हैं, घर में लगा दिए हैं, यहाँ दरबार में भी लगाए हैं दिए, ये घरुंडियां हैं इन पे लगाए हैं, इनमें खील बताशे भरे हैं, और ऊपर आंगन में, बाहर आंगन में और मंदिर में हर जगह हमने उनको लगाया है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं दियो को उनकी, लेकिन पूजा करनी अत्यावश्यक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अभी थोड़ा डिस्टरबेंस भी आ रहा है वीडियो में, एक्चुअली आज मैं अपने होम टाउन वापिस आई हूँ, ज्वाइंट फैमिली है, तो बच्चे भी आपको पता है दिवाली पे उनका लगा रहता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं कि जो हमारे 108 हमें जो मंत्रों का जो जप करना चाहिए वो कैसे है, उसके साथ ही हमें अपने पूजन की तैयारी करनी चाहिए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। वह इस प्रकार है, ओम श्री आद्य लक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री विद्या लक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री गृह लक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री राज लक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री अमृत लक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री सत्य लक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री विजय लक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री धन लक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री गज लक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री संतान लक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री भाग्य लक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री धान्य लक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री वीर लक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री मोक्ष लक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री सत्वा नमो नमः, ओम श्री शांता नमो नमः, ओम श्री व्यापिनी नमो नमः, ओम श्री त्योम निल्या नमो नमः, ओम श्री परमानंद रूपिणी नमो नमः, ओम श्री नित्य सुधा नमो नमः, ओम श्री नित्य तुला नमो नमः, ओम श्री निर्विकारा नमो नमः, ओम श्री ज्ञान शक्ति नमो नमः, ओम श्री कृत्य शक्ति नमो नमः, ओम श्री निरानंदा नमो नमः, ओम श्री विमला नमो नमः, ओम श्री अनंता नमो नमः, ओम श्री वैष्णवी नमो नमः, ओम श्री सनातनी नमो नमः, ओम श्री निरामया नमो नमः, ओम श्री विश्व आनंदा नमो नमः, ओम श्री ज्ञान जया नमो नमः, ओम श्री ज्ञान गम्या नमो नमः, ओम श्री ज्ञान ज्ञे नमो नमः, ओम श्री निर्मला नमो नमः, ओम श्री स्वरूपा नमो नमः, ओम श्री अकलंका नमो नमः, ओम श्री निराधारा नमो नमः, ओम श्री निराश्रया नमो नमः, ओम श्री निर्विकल्पा नमो नमः,
ओम श्री पावनी करा नमो नमः, ओम श्री अपरिमिता नमो नमः, ओम श्री भव भ्रांति विनाशिनी नमो नमः, ओम श्री महाधामी नमो नमः, ओम श्री स्थिति वर्धि गिरवा गति नमो नमः, ओम श्री ईश्वरी नमो नमः, ओम श्री अक्षया नमो नमः, ओम श्री अप्रेमा नमो नमः, ओम श्री सूक्ष्म अपरा नमो नमः, ओम श्री निर्वाण दायिनी नमो नमः, ओम श्री शुद्ध विद्या नमो नमः, ओम श्री तुष्टि नमो नमः, ओम श्री महाधीरा नमो नमः, ओम श्री अनुग्रह शक्ति नमो नमः, ओम श्री महाधीरा नमो नमः, ओम श्री अनुग्रह शक्ति नमो नमः, ओम श्री यज्ञ ज्येष्ठा नमो नमः, ओम श्री ब्रह्मांड वासिनी नमो नमः, ओम श्री अनंत रूपा नमो नमः, ओम श्री अनंत संभवा नमो नमः, ओम श्री महाशक्ति नमो नमः, ओम महाशक्ति नमो नमः, ओम नमो प्राण शक्ति नमो नमः, ओम श्री प्राणदात्री नमो नमः, ओम श्री महासमूह नमो नमः, ओम श्री सर्वाभिल्य पूर्ण चया नमो नमः, ओम श्री शब्द पूर्वा नमो नमः, ओम श्री वक्त वक्त्या नमो नमः, ओम श्री संकल्प सिद्धा नमो नमः, ओम श्री तत्व गर्भा नमो नमः, ओम श्री चित्त स्वरूपा नमो नमः, ओम श्री महामाया नमो नमः, ओम श्री महायोगेश्वरी नमो नमः, ओम श्री योग सिद्धि दायिनी नमो नमः, ओम श्री योगेश्वर प्रिया नमो नमः, ओम श्री ब्रह्म द्रूपिणी नमो नमः, ओम श्री गौरी नमो नमः, ओम श्री महायोगेश्वर वृत्ता नमो नमः, ओम श्री विश्वरूपा नमो नमः, ओम श्री विश्वमाता नमो नमः, ओम श्री श्री विद्या नमो नमः, ओम श्री महानारायणे नमो नमः, ओम श्री पिंगला नमो नमः, ओम श्री विष्णुवर्धा नमो नमः, ओम श्री योगरत्ता नमो नमः, ओम श्री भक्ता परीक्षिणी नमो नमः, ओम श्री पूर्ण चंद्रमा नमो नमः, ओम श्री भयनाशिनी नमो नमः, ओम श्री दैत्य दानव मर्दिनी नमो नमः, ओम श्री झंडा नमो नमः, ओम श्री व्योम लक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री तेजो लक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री रस लक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री जग धोनी नमो नमः, ओम श्री गंध लक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री सुषमुना नमो नमः, ओम श्री अनंत ऋता नमो नमः, ओम श्री कुंडलिनी नमो नमः, ओम श्री सर्व मंगल मांगलय नमो नमः, ओम श्री सौम्य रूपा नमो नमः, ओम श्री महादीपा नमो नमः, ओम श्री मूल प्रकृति नमो नमः, ओम श्री स्वर स्वरूपिणी नमो नमः, ओम श्री मणिपुर चक्र निवासिनी नमो नमः, ओम श्री शिवा नमो नमः, ओम श्री योग माता नमो नमः। तो इस प्रकार आपने 108 नाम आप उच्चारित कर सकते हैं, या आप मेरा वीडियो चला करके उसमें आप एक एक पुष्प चढ़ाते जाइए, और आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप 108 बार महालक्ष्मी जी का ही नाम ले सकते हैं, ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। ये आप बहुत सरल सा ही मंत्र है, आप इसको 108 बार बोल सकते हैं, तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से आप अपना पूजन कर सकते हैं, अपनी जो दिवाली के पूजन को है भव्य बना सकते हैं। हो सके तो 108 लाल पुष्प गुलाब के या लाल कमल के अगर हो सके तो इस बार इस दिवाली महालक्ष्मी जी को जरूर अर्पित कीजिएगा। आपकी जो दिवाली है, दिवाली क्योंकि माना जाता है व्यापारियों के लिए एक नया साल शुरू होता है इस दिन से, तो हो सके तो अपने व्यापार केंद्र पे अपने घर में आप पूजन 108 नाम लेकर के महालक्ष्मी जी के इससे ही शुरू कीजिए। आपकी जो दिवाली है वो बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ हो, आपको ढेर सारी खुशियां मिले। और मैं चाहूंगी अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरा दिवाली गिफ्ट है आप लोगों की तरफ से मुझे, प्लीज ये गिफ्ट मुझे जरूर दीजिएगा दोस्तों, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। नमो नमः दोस्तों, हैप्पी दिवाली।